हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम दोस्तों 18x40 फीट के प्लॉट के लिए फिर से एक और बहुत ही खूबसूरत नक्शा डिस्कस करेंगे। दोस्तों 18 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है इस डायरेक्शन में और 40 फीट दोस्तों इसकी लंबाई है। ईस्ट साइड पर फ्रंट है, बाकी जो तीनों साइड्स हैं उस तरफ किसी और की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो 18 फीट फ्रंट ईस्ट वाली साइड पर आपको इसमें यहाँ पर एक गेट मिलेगा। तकरीबन 6 फुट का गेट है दोस्तों, जिससे हम घर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों गेट से अंदर आते ही आपको यहाँ पर इसमें एक पोर्च मिलेगा, जहाँ पर आपकी सीढ़ी बनेगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें हम एक सेपरेट पोर्शन बना सकते हैं। तो उस तक जाने के लिए आपकी यहाँ बाहर सीढ़ी यूज होगी। और इसके अलावा दोस्तों आप पोर्च में ही यहाँ पर अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर सेपरेट टैंक भी बना सकते हैं। पूरे पोर्च एरिया की दोस्तों चौड़ाई आपको 7 फीट मिलेगी, जबकि 11 फीट के करीब इसकी आपको लंबाई मिलेगी। थोड़ा सा गेट से आगे आएंगे दोस्तों तो आपको 3 फीट का डोर मिलेगा, जिससे घर के अंदर जाएंगे। तो इस डोर से दोस्तों अंदर आते ही बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर एक लिविंग हॉल मिलेगा, जहाँ पर आप अपने सोफे सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर गेस्ट वगैरह को बिठा कर सर्व कर सकते हैं, प्लस अपने घर वालों के साथ आप बैठ कर यहाँ पर टीवी भी देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे लिविंग हॉल की चौड़ाई तकरीबन 11 फीट है, जबकि 12 फीट के करीब इसकी आपको लंबाई मिलेगी। दोस्तों एक विंडो भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं पोर्च की तरफ, ताकि इसके थ्रू वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। दोस्तों मेन डोर के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ये जो आपको डोर मिल रहा है, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पर। इसके अंदर जाएंगे तो आपको तकरीबन दोस्तों 10 फीट चौड़ाई और 11 फीट लंबाई का आपको फर्स्ट बेडरूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर। तो अच्छा खासा बड़ा बेडरूम है, आपकी सब चीज़ें इसमें ईजीली एडजस्ट हो जाएंगी। दोस्तों वेंटिलेशन रूम की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोशिश करनी है कोई ना कोई विंडो लाजमी दे। तो हमने यहाँ पर स्ट्रीट की तरफ इसमें एक विंडो दी है, ताकि इसके थ्रू ताज़ा हवा और रोशनी रूम के अंदर आती रहे। तो दोस्तों ये था फर्स्ट बेडरूम। इससे बाहर आएंगे तो आपको इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ये जो डोर मिल रहा है, ये हमारा एक कॉमन टॉयलेट स्लैश बाथरूम होगा। तकरीबन 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 3 फीट इसकी आपको लंबाई मिलेगी। तो दोस्तों टॉयलेट स्लैश बाथरूम से पीछे आएंगे तो आपको मास्टर बेडरूम के बिल्कुल सामने यहाँ पर सेकंड डोर मिलेगा सेकंड बेडरूम का। इसके अंदर जाएंगे तो आपको तकरीबन दोस्तों 11 फीट चौड़ाई और 11 फीट ही लंबाई का आपको सेकंड बेडरूम मिलेगा, अच्छा खासा बड़ा बेडरूम। दोस्तों आपके बेड्स वगैरह अलमारियाँ आप सब इसमें भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर इस रूम के पीछे एक OTS है, तो उसी की तरफ से यहाँ पर आपकी विंडो लग जाएगी, ताकि ताज़ा हवा और रोशनी इस रूम में भी आती रहे। इसी के बिल्कुल साथ ही दोस्तों इसमें एक अटैच्ड आपको टॉयलेट स्लैश बाथरूम भी मिलेगा, तकरीबन 7 फीट चौड़ाई और 4 फीट लंबाई का। तो दोस्तों ये था अटैच्ड टॉयलेट स्लैश सेकंड बेडरूम। इससे बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस जगह में दोस्तों एक डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा, आप यहाँ पर बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं। इसी डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक ओपन किचन होगा इस जगह में, तकरीबन 6 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई का। दोस्तों ओपन किचन के बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पर OTS के लिए जाने के लिए डोर मिल जाएगा, ताकि हम OTS को एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सके। तकरीबन दोस्तों 10 फीट इसकी चौड़ाई है OTS की और 4 फीट के करीब इसकी आपको लंबाई मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा 18x40 फीट के प्लॉट के लिए ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो बताएं। दोस्तों मैं आपको किस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल।